तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लोन एप्लीकेशन की जानकारी नहीं दे रहा हूँ आज का जो वीडियो है वो है इन्वेस्टरों के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न पाना चाहते हैं तो फोन पे कंपनी दो में ठीक है इस साल एक ऐसा फ़ंड लेके आई है जो 50 परसेंट का आपको इंटरेस्ट देती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे तो 50 परसेंट कोई छोटी अमाउंट नहीं होती अगर फॉर एग्जांपल के रूप में रूप में अगर आपने यहाँ पर दस हज़ार रुपये डाल दिए ठीक है तो भैया यहाँ पर पचास परसेंट दस का आधा पाँच हज़ार रुपये सीधा ही साल का आपका बन जाएगा तो बहुत ही बड़ी अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा वो फ़ंड है और इस फंड के क्या रूल है और कितना रिक्स है सब कुछ बताऊँगा कहाँ इन्वेस्ट करती है ये कंपनी पैसों को सब कुछ बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर फ़ोनपे एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये फ़ोन पे मेरा एप्लीकेशन है और यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वेल्थ वाले आइकन पर क्लिक करना होगा नीचे आपको वेल्थ का एक आइकन दिख रहा है ठीक है मैं आपको खुद बता देता हूँ ये रहा ठीक है आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की जितने भी फीचर्स हैं सारे के सारे ओपन हो जाते हैं अब यहाँ पर वैसे तो कंपनी काफ़ी दिनों से कई फंड आपको जो है यहाँ पर दिखाती है जो कि बहुत ही अच्छे हैं तीस तीस परसेंट पंद्रह पंद्रह परसेंट के यहाँ पर जो है फ़ंड कंपनी दिखाए हैं लेकिन जब पहली बार मैं देख रहा हूँ जहाँ पर पचास परसेंट का जो है इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है ठीक है तो उस फंड को लेने के लिए हमको क्या करना होगा ऊपर के स्कॉल करना होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जो कि जो जिसमें लिखा है एक्सप्लोर आल फंड ठीक आपको इसी पर क्लिक करना है ठीक है इसी पर आप क्लिक करोगे तभी आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो भैया यहाँ पर सबसे पहला वाला फंड आप देख पा रहे होंगे स्मॉल कैप फंड है स्मॉल कैप फंड है ठीक है समझाऊंगा मैं इस फंड के बारे में ये कैसे काम करता है ठीक है और यहाँ पर साफ तौर तो लिखा है इक्विटी स्मॉल कैप फंड इक्विटी अभी समझाऊंगा मैं इक्विटी क्या होता है ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा दें आपको ये फ़ंड काम कैसे करते हैं ठीक है थीके? तो देखो ये फ़ंड क्या कह रही है कि हमने पिछले तीन साल में पिछले तीन साल में कस्टमर को उनचास पॉइंट फिफ्टी नाइन मतलब सीधा पचास ही समझो अराउंड पचास हो जाएगा पचास परसेंट का रिटर्न दिया है और लास्ट के पाँच साल में हमने अगर माना जाए एक कैलकुलेट के अनुसार तो यहाँ पर तेईस पॉइंट जीरो नाइन परसेंट का दिया है और अगर हम परमानेंटली की बात करें तो भैया मार्केट चेक कैसा भी हो लेकिन हम जो है यहाँ पर ग्यारह पॉइंट सेवेंटी वन परसेंट का जो है इंटरेस्ट दे देते हैं अपने कस्टमर को अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये काम कैसे करती है तो देखो इसकी जो एन है इसकी जो एन है वो काफ़ी बड़ी है ठीक है काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फंड का साइज है बड़ा साइज है कोई छोटा मोटा साइज नहीं है और ये अभी एप्लीकेशन के अंदर आया है लेकिन ये जो फंड है ओल्ड है ठीक है अब रिक्स की बात करें तो वेरी हाई है देखो मैं आपको पहली बात बता दूं कि जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करोगे जो हाई रिटर्न देता है तो हाई रिस्क भी होता है देखो हम हम अगर एक बिजनेस से समझ लें जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलता है उस बिजनेस में ज्यादातर जो है लॉस होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं देखो अगर जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसमें ज्यादा प्रॉफिट है अगर वो बिजनेस चल जाता है तो तो बल्ले बल्ले अगर नहीं चलता है तो फिर आपका तो क्या लॉस होने वाला है तो देखो यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहां पर बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करो ठीक है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ जैसे आपकी जो कमाई है वो है दस हज़ार रुपये की ओके उसमें से उसमें से वन परसेंट या फिर टू परसेंट या फिर थ्री परसेंट आपको इन्वेस्टमेंट करना है दस हज़ार रुपये का अगर आपका मंथली में कमाई है तो आप यहाँ पर महीने के एक हज़ार रुपये से एस आई पी स्टार्ट कर लो ठीक है और भूल जाओ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आ, आप जो है इस पर भरोसा करो कि भैया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल में पचास परसेंट मिलेगा तो हमारा काम बन जाएगा ऐसा नहीं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये समझो कि मैं हज़ार रुपये दे रहा हूँ बस एकदम ऐसे ही दे रहा हूँ मतलब दान कर दिया मैंने इस प्रकार से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे और इस पे भरोसा मत करना कि हमको रिटर्न मिलेगा रिटर्न तो मिलता है लेकिन भरोसा आपको नहीं करना है इससे होगा क्या कि अगर आपका पैसा डूबता है ना तो आपको दुख कम होगा वही पैसा इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आप जो है अपना रिक्स झेल सको आप अपने आप को संभाल सको और बाद में कह सको चलो कोई बात नहीं हो गया तो हो गया क्या है एक बार रिक्स लिया था हो गया ऐसा अगर आप सोचोगे तो ही आप कमा पाओगे ठीक है यहाँ पर इक्विटी क्या होता है मैं आपको बता दूँ इक्विटी होता है दोस्तों शेयर मार्केट ये पूरा पैसा आपका जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है अगर शेयर मार्केट अप होता है तो आपका पैसा बहुत ही स्पीड से इंक्रीज हो जाता है और अगर डाउन होता है तो बहुत ही स्पीड से जो है नीचे भी गिर जाता है तो ये फंड है भैया और यहाँ पर एक साल का यहाँ पर जो है लॉक इन पीरियड है अगर आप एक साल के पहले पहले पैसा निकालते हो तो यहाँ पर वन परसेंट का रिडमिस चार्ज लगेगा और एक साल के बाद अगर निकालोगे तो कोई प्रकार का यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा इन्होंने बताया है पाँच सौ रुपये की एस आई पी अगर आप करते हो ठीक है तीन साल के लिए तो यहाँ पर आपका टोटली बैलेंस बन जाएगा पैंतीस हजार पाँच सौ उनसठ रुपया उनचास पॉइंट फिफ्टी नाइन परसेंट का ये जो है इंटरेस्ट देने का दावा करती है तीन साल में आपका जो पैसा है वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा अठारह हजार और अठारह हजार का कितना बन रहा है पैंतीस हजार पाँच सौ मतलब कि दुगुना तीन साल में दुगना पैसा आपका बन जाएगा तो जैसा मैंने आपको समझाया सिर्फ आपको वैसा ही करना है आंख मींच कर पैसा नहीं झोंकना है बाकी फंड तो बहुत ही कमाल का है ठीक है स्मॉल कैप फंड काफी रिक्स भी होते हैं काफी प्रॉफिट देने वाले भी होते हैं तो नया फंड आया है दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो ठीक है लेकिन सूझ बूझ कर करना क्योंकि ये है म्यूचुअल फंड ठीक है रिक्स तो भैया है रिक्स है तभी भैया इसके ठीक है तो बस अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन